क्यों तुझ पे मुझे प्यार हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ऐसा मॉर्निंग प्लान, जैसे मॉर्निंग में सुबह उठे तो ऐसे इन्वर्टर टीटी कर रहा था, तो इसलिए मैं मन किया कि चले अब उठे गए तो थोड़ा चलते हैं ऐसे स्केटिंग करके आते हैं, क्योंकि ऐसे मॉर्निंग में स्केटिंग के बहुत दिन हो गया, बहुत अर्से हो गया, तो चलते हैं मॉर्निंग में स्केटिंग करने। और आज स्टेशन पर स्केटिंग लगा लेते हैं, क्योंकि हर बार तो जैन कॉलेज के पास स्केटिंग लगाते थे, लेकिन आज स्टेशन पर स्केटिंग लगाएंगे, फिर स्टेशन से चलते हैं। जैसे हम लोग आ रहा जंक्शन के पास, जैसे स्केटिंग लगा कर स्केटिंग करना स्टार्ट, क्योंकि ऐसा स्केटिंग करना स्टार्ट नहीं करोगे तो ही बहुत टाइम लग जाता है स्केटिंग करने में। हे गाइस, जैसे कुछ देर में एक दर्जन ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि वही बोले कि हम आते हैं स्केट लेकर, फिर किया जाएगा साथ में, तो चलते हैं उनको लेने। सब दर्जन आ गए हैं, ये लगा रहे हैं सर स्केट। गाइस, तो अभी हम लोग ऐसा पहला बार भोजपुर में एसपी ऑफिस कार्यालय आ गए हैं, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। गाइस, तो ऐसा स्केटिंग करते करते हम लोग आ गए हैं सदर स्पीडल। गाइस, तो अभी हम लोग ऐसे ग्रांड होटल के अंदर आ गए हैं स्केटिंग करते करते, और आई लव आरा मस्त। ये जो अपना शहर है बहुत सुकून देता है, ऐसे ग्रांड होटल के एकदम इन्हीं के पार्किंग में हम लोग कर रहे हैं स्केटिंग, और मस्त ऐसा सुंदर सा। तब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लेट हो रहा है और अभी जाना है बहुत दूर। चलें सभी। हम लोग ओवर ब्रिज से उतर रहे हैं एकदम, और रास्ता बहुत डाउन है, पूरा ढलाऊ है, और आज तो ब्रेक लेने का प्लान ही नहीं है, क्योंकि जो भी होगा देख लिया जाएगा। तो आज ब्रदर भी ऐसे मन बनाने के ब्रेक नहीं लेना है, और मैं भी आज ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ। तो आज भाई स्पीड हो गया है 20, और डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ऐसे करते 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 साइड ब्रदर, बहुत तेज हो गई है गाड़ी, रुकने का नाम नहीं ले सकता। जितना मन जाने का है जा सकते हैं आप, और आज बहुत तेज हो गया भाई, स्पीड देखो कितना रफ्तार, और ये ब्रदर को काटते हुए। ब्रिज पूरा उतर गए आज बिना ब्रेक लगाए। अभी हम लोग ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं, यहाँ का रास्ता ख़राब है, इसलिए बैठ जाए ट्रैक्टर पे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे। देखिए, जैसे ब्रदर को हम उनके घर पे छोड़ दिए, अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, तो ऐसे हम तो आगे घर के पास ऐसे स्केटिंग होते हैं, तो अभी घर तक हम स्केटिंग से ही जा रहे हैं। और हेगा, आज हम पूरा ऐसे आरा में से कोई सा जगह नहीं है जहाँ पर आज हमें स्केटिंग नहीं किए, पूरा आरा ऐसे घूम के अगर पूरा पसीना, पूरा हाथ वाथ तो पूरा पसीना पसीना हो गया, लेकिन वहाँ आरा में आज हर जगह पर स्केट तलिक, मतलब आज घर तक भी हम स्केटिंग से ही आए हैं। तो फिर अभी थोड़ा सा अब आकर नहा वहा थोड़ा रेडी होते हैं, उसके बाद फिर गए। शाम का वक्त हो गया ऐसे, और 3 बज गया, ज़्यादा शाम नहीं हुआ, ऐसे मौसम थोड़ा सही है, तो मन कर जल्दी चलते हैं, क्योंकि एक तो फिर कैसे भी क्लियर कर ही ले रहे हैं। तो अभी चलते हैं, अभी हम रन्ना मैदान पर गए, जैसे शाम का वक्त हो गया, अभी बज रहा है 3, लेकिन मौसम ऐसे थोड़ा सा सही किया है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल गए, क्योंकि ऐसे रोज़ एक फ्लिप सीख नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग ले लिए बोरा, क्योंकि ऐसे बोरा में थोड़ा सा बालू कर लेंगे, और इसके बाद फ्लिप का थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो हे गाइस, हम और विशाल ऐसे आ गए हैं रमना मैदान, और ऐसा बालू का भी जुगाड़ हो गया है, और प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी और लड़के आए नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर में और लड़के आने वाले हैं, तो अभी हम और विशाल ही प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं जब बच्चे आएंगे तो और सबको फिर ब्लॉग में लेते हैं हम। गाइस, तो ऐसे सामने भैया मिल गए थे मेरे को, और भैया फिर बता रहे थे कि हम संडे के संडे से जाते हैं कोई लोअर फ्लिप प्रैक्टिस करने, तो अगर आप भी ऐसे चलने का मन है तो आप चल सकते हो। तो उन्हीं से बात करने से पूरा टाइम वेस्ट हो गया, और पूरा मतलब टाइम वेस्ट नहीं, मतलब बढ़िया चीज़ बता रहे थे, और थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवाया मेरे को, और ऐसे बात करते करते शाम में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला, और फिर हम घर पर आ गए। तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे अगर हम हो सकता तो संडे को अगर जाएँगे फ्लिप करने कोई लोअर, तो अगर कोई ऐसे ज्वाइन करना सकते तो कॉमेंट कर सकते हैं कि हम ऐसे
कॉलर चलना चाहते हैं फ्लिप प्रैक्टिस, तो अभी रात के ऐसे 10 बज गए और ब्लॉग इन करने का टाइम है, तो आप कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। अच्छा जैसे जो ओवर ब्रिज से नीचे करे भाई बहुत डर लगता है, मेरे को तो बहुत डर था, तो ऐसे बताना आप कैसा आपको, अगर आपको ऐसा करने का मिलता आपको कैसा फील होगा। तो मैं अपना फील ऐसे कल बताऊँगा कैसा मेरे को फील होगा, क्योंकि कल एक और ऐसे शॉर्ट्स टाइप का वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ। और ओवर ब्रिज से उतरने तो भाई बहुत डर लगता है, मेरे को आज थोड़ा डर लगा, लेकिन ऐसे मॉर्निंग के टाइम पे तो गाड़ी थोड़ा कम चली, सटाक से ऊपर से नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ब्लॉग इन करते हैं, आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।